क्या दिक्कत है? जिला जिला महासचिव लोग नहीं करेंगे देश से बचाने का प्रयास किया वैसे भी नहीं चलेगा, यही चलेगा ना, सब यही चलेगा, डेथ बॉडी का नहीं चलेगा सर। पेशेंट आई एकदम फुल में थी और उसका जो बच्चा पहला निकल रहा था और वो कोई भी जांच नहीं कराई थी, ना अल्ट्रासाउंड कराई थी, ना खून का जांच कराई थी, कुछ भी नहीं कराई थी। और तुरंत आई पेशेंट तुरंत वार्ड में नट जाके तुरंत उसमें लेबर रूम में गई, वहाँ पे उसका पहला बच्चा निकला, जबकि हमको तुरंत उसको वार्मर में ठुक रख के दूसरा बच्चा हम लोग चेक किए, पर दूसरा बच्चा है उसको भी हम लोग वार्मर में रखे। और वहीं पे दो लेडीज थी, हम तुरंत बोले कि भैया किसी गार्जियन को बुलाओ, तुरंत इसको हम रेफर बनाने हैं, इसको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। वो बोले कि हमारे पास इसमें गार्जियन नहीं है, कहीं गए, हमके कब तक आएंगे वो, हम बोले फोन करो, बोली फोन हमारे पास नहीं है, हमके जब भी आए जल्दी करो, इसको तुरंत वो करो। तब तक वो औरत कुछ भी नहीं बोली, सब कुछ हो गया, हम लोग एक घंटे वार्मर में उसको सेकैया किए, फिर उसको दिए दूध भी पिलाई, तब तक भी उसका आदमी नहीं आया था, फिर भी हम उसका रिफर बनाए, बैठ के 2:30 बजे तक उसका रिफर बनाए, सब कुछ किए, फिर भी औरत को बोला कि तुम बच्चे को तुरंत ले जाओ वहाँ पे। फिर भी बोले कि अरे अभी हम मैं बच्चा दूध पिया था, अभी तक आदमी नहीं है, हमके जो भी हो हम तुम्हारा रिफर बना दिए, तुम बच्चे को ले जाओ चाहे मत ले जाओ, यही कंडीशन था। गाली गलौज, फिर वो आदमी आया तो फिर हम उसको बच्चे को हम जब गए देखने तो देखे तो कुछ अजीब सा हमको लगा, कि फिर उसको बाद में कुछ ठंडा पड़ रहा था बच्चा, हमके बच्चा इसका तो एकदम खत्म हो रहा है। तो फिर उसका आदमी आया तो लगा हम लोग से लड़ने, बोल रहा है कि आप लोग हमारे बच्चों को जानबूझ के मार दिए हैं। हम के जानबूझ के क्यों मारेंगे तुम्हारे बच्चे को, हम तुमसे कोई दुश्मनी है भैया, हम तो इतना हम लोग रोज डिलीवरी करा रहे हैं सैया पे, अभी तुरंत एक तो पहले डिलीवरी करा है उसका, इतना अच्छा सा हुआ है बच्चा। फिर लगा कि नहीं आप लोग हमसे वो मांग रही है, हमके पैसा को कोई बात ही नहीं किया है, तुम हमको दिए कुछ भी, यही सब बात हुई है। इतना गाली दे रहा था रोड पे और कह रहा है कि हम इस बच्चे को ही मारेंगे, मार के आपको फंसाएंगे। डिलीवरी करवाने के लिए सुबह में हम लोग लेकर आए अपने परिवार को, तो यहाँ पे शाम को 6 बजे चेकअप वोकअप की, तो बोले कि 2 दिना के बाद तुम्हारा बच्चा का डिलीवरी होगा, अभी डेट नहीं पड़ा। उसके बाद वो बोले कि लेकर जाओ तुम लोग, हम लोग दूर नहीं लेकर गए, इसी जगह पास के आवास में हमारे दादा थे, उसी जगह हम लोग लेकर रहे और उसके 12 बजे सर भी पेट में बहुत तेज दर्द उन लोग परिवार के होने लगा, और हम लोग दोबारा लेकर यहाँ पे आए तो हम लोग भर्ती करवाए, 1 बजे दोनों बच्चे हमारे नॉर्मल पैदा हुए। पैदा होने के बाद वो बोले कि मिठाई उठाई खिलाओ, पैसा वैसा दो, तुम लोग तुम्हारा बच्चा नॉर्मल है। उसके बाद सर जी हमारे बच्चा लोग को लोग गई सो गई अंदर, सोने के बाद हमारी माता जी गई